अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपके साथ मैं वही ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो मैं रेगुलर करती रहती हूँ। साहिबा के मम्मी पापा आने वाले हैं मेरी देवरानी के, वो दीदी लेकर आए हैं, तो वो लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। साथ ही साथ अम्मी भी आई हुई हैं। अम्मी की आज अम्मी से मुझे दही बड़े बनवाने हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पूरे दिन बच्चे और हम सब क्या कर रहे हैं इसी ब्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। चलिए बगैर देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको नीचे लेकर चलती हूँ और फिर मम्मी के पास हम लोग चलते हैं। वो लोग बैठे हुए हैं नीचे, अभी यहाँ सब लोग बैठे हुए इस कैट के बारे में बात कर रहे हैं। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे और मैंने सोचा क्यों ना ये मोमेंट भी मैं ज़रूर कैप्चर करूँ। यहाँ पे कैट की बात चल रही है। उनकी आवाज़ से क्यों बहुत दूर से भागता हुआ आता है। यहाँ पर सायमा के मम्मी पापा ईदी लेकर आए हैं, तो वो कपड़े दे रहे थे सायमा के लिए और मम्मी के लिए, और मुझे भी उन्होंने ईदी दी। माशाल्लाह सायमा के मम्मी पापा बहुत अच्छे नेचर के हैं। घर पर तो मांग कर लिए जाते हैं। काफ़ी देर तक रुके नहीं क्योंकि उन लोगों का रोज़ा था, तो उन्हें बाहर जाना था और गर्मी भी बहुत थी, तो उन्होंने कहा हम रोज़ा घर पर ही इफ्तारेंगे। हमने बहुत रुकने की कोशिश करी लेकिन उन्हें जल्दी जाना था और काफ़ी लंबा सफ़र भी था, तो इस वजह से वो ईदी देकर चले गए। और आप देख सकते हैं वो सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। अंकल और आंटी के जाते ही हयात और माहीन की दोनों की शैतानियाँ शुरू हो गई। दोनों भागा दौड़ी कर रही थी और खूब शैतानी कर रही थी। आप देख सकते हैं कि बस उन्हें मौका मिलते ही शैतानी शुरू हो जाती है। अभी थोड़ी देर में वो अपनी अप्पी से भी ज़रूर डांट खाएंगे और आप देख सकते हैं कि दोनों ने डांट खाई भी। हम लोग जा रहे हैं ऊपर। आपने देखा कि वो लोग चले गए हैं, तो अब मैं ऊपर आ गई हूँ और इफ्तारी की तैयारी करने जा रही हूँ। अम्मी फल वगैरह सारी चीज़ें काट रही हैं और साथ ही साथ मैं बिरयानी तैयार कर रही हूँ। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि अम्मी हम सब क्या कर रहे हैं। हेल्प कर रही हैं पकौड़ियों के लिए, प्याज और आलू वगैरह काट रही हैं। रोज़ा तो नहीं लग रहा ज़्यादा? नहीं। चलो अभी तुम्हें मैं अम्मी आ जाती है तो मेरा काफ़ी कटिंग का काम आसान हो जाता है। अम्मी सब काट के मुझे दे देती हैं। अभी अभी फल भी काट और दही बड़े भी बनाने हैं अभी। चलो ठीक है, काटो फिर मैं जल्दी से निकाल के दे रही, फिर दही बड़े बना लो। ठीक है, मैं अब किचन में आ गई हूँ। वो मेरे लिए बना रही हैं दही बड़े। अम्मी के हाथ के बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे दही बड़े। अम्मी इसे देख के पापा की याद आ जाती है ना, पापा कितना शौक से खाते थे। गैस हल्की कर लो अम्मी।
व्यूज़। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी और माँ के हाथ का खाना तो होता ही टेस्टी है, आप सोच सकते हैं कितना मज़े का होता है। मैं यहाँ पे लहसुन छील कर अम्मी को दे रही हूँ, अम्मी को बघार कर रही हूँ। अम्मी आ जाती है तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। और वैसे भी मैं बिरयानी बना रही हूँ तो दही बड़ों के साथ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा बिरयानी तो बन रही है, अम्मी के हाथ के आज दही बड़े भी हो जाने चाहिए। रोज आप देख सकते हैं आपकी ड्राइंग, सीधे सीधे हाथ किसके होते हैं, हाथ खड़े हुए। अच्छा वो एक्सरसाइज कर रही थी स्कूल में ना, तो मैम ने पीटी करवाई थी तो उसकी पिक्चर्स मैंने। चलो अब जल्दी से चलो, अच्छा बुक्स वगैरह सब रख दो फटाफट, रोजे के बाद अब इन्हें याद करवा देना। हयात और माहिनी यहाँ पे पढ़ रही हैं, हयात अपनी फ्रेंड को अपना वर्क सेंड कर रही हैं और साथ ही साथ हयात का फेवरेट खीरा, तो उन्हें बहुत शौक है खाने का, वो खाती रहती जब भी भूख लगती है, हयात खीरा ज़रूर खाती है। माहिनी रोजे बाद बेटा हयात को लर्न करवा देना, ठीक है। हाँ बहुत अच्छी बनाई व्यूज, आप देख सकते हैं हयात की ड्राइंग, माशाल्लाह हयात अभी फर्स्ट क्लास में आए होकर अब सेकंड में आई हैं, और आप देख सकते हैं ड्राइंग माशाल्लाह हयात की बहुत अच्छी है। चलो माहीन अब तुम भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, माहीन और हयात नानी को बहुत परेशान कर रही हैं, वो मम्मी के साथ बहुत मजाक करती हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो मम्मी के साथ क्या कर रही है, क्या छेड़खानियाँ कर रही है। नानी देखो ये क्या कर रही है, इसे काटना आ नहीं रहा तो भी काट रही है ये। यार अभी मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली है और माशाल्लाह अब मैं इफ्तारी की तैयारियों में लग जाऊंगी और फटाफट इफ्तारी लगाती हूं। और बच्चों के लिए मैंने आज बिरयानी बनाई है, अम्मी ने मेरी पसंद के दही बड़े बनाए हैं और माशाल्लाह दस्तरखान भी हमारा रेडी है, बस थोड़ी देर में अजान होने वाली है और बच्चे और हम लोग सब माशाल्लाह इफ्तारी करेंगे। और अल्लाह ताला सभी को सारी नियमतें अता फरमाए और उनके घरों में ऐसे ही दस्तरखान भरे रहें और बरकत रहें उनके घरों में, रोज़ी रोज़गार में बरकत रहें। आमीन सुम्मा आमीन। शादी खा
खाने वैसे रखा मैंने उसके हाथ का फिर खाने दिया उसके खाने एक करेले के ऊपर देख रहे थे इधर आ जाना इधर आ जाओ ये ना ऐसे बच्चा कौन से काम से आया तोड़ता आज जितना हो सका मैंने आपके साथ वीडियो में क्लिप शेयर करें तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद करिएगा। तो मिलती हूँ अपने एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।